Hello students of class 4, our today's chapter is nouns, gender. This is our 5th chapter, but pehle hum previous chapter ki baat karenge jo humne kal kiya tha, countable and uncountable nouns. Iski jo maine aapko back exercise solve karne ke liye di thi, uski answer ki main aapko dikha rahi hu. Isse aap apne answers se match kar lijiye. Ye A exercise ke answers hain. These are B exercise answers, C exercise answers, 16 है, फिर ये है D exercise, इसमें आपको पूरे sentence लिखने हैं और ध्यान से read करके और फिर answer tally कीजिएगा. Let us start our next chapter, nouns, gender. Gender जो है, nouns जो है, हमारे nouns ने four basis पर gender को किया है. Describe. Four basis हैं. First is masculine gender, second is feminine gender, third is common gender and fourth is neuter gender. एग्जाम्पल्स देखिए. मैस्कुलिन जेंडर जो होते हैं वो होते हैं मेल जेंडर्स, जिसे कि आप हिंदी में कहते हैं पुरुषलिंग. उसमें हम मेल जेंडर्स की बात करते हैं, फादर, अंकल, लॉयन. फेमिनिन जेंडर होते हैं फीमेल जेंडर्स, जिनमें कि हम फीमेल्स की बात करते हैं, फादर के साथ जैसे मदर, और अंकल के साथ जैसे आंट, लॉयन के साथ लॉयनेस. तो ये क्या हो गए, फेमिनिन जेंडर. ये आपस में चेंज हो सकते हैं, मैस्कुलिन का फेमिनिन और फेमिनिन का मैस्कुलिन. ये बात आप याद रखिएगा कि ये दोनों चेंज हो सकते हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन में और फेमिनिन मैस्कुलिन में. नेक्स्ट है हमारा कॉमन जेंडर. ये कॉमनली यूज होते हैं, यानी कि मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी कॉमन ही रहता है, ये एक ही यूज़ होता है. जस्ट लाइक आपके फादर मदर हैं, लेकिन यहाँ पर कॉमन जेंडर में क्या यूज़ होगा, पेरेंट्स. आपके अंकल आंट के जो बच्चे हैं, आपके चचेरे भाई हैं, ममेरे भाई हैं, जो भी हैं, वो किस में यूज़ हो, उनके लिए क्या वर्ड यूज़ होगा, कज़िन. अब शीप है, शीप एक एनिमल है जो कि मेल फीमेल में शीप ही रहता है, ये चेंज नहीं होता है. टीचर, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, दोनों के लिए आप टीचर ही वर्ड यूज़ करते हैं. बेबी, मेल हो फीमेल हो, दोनों के लिए एक ही वर्ड रहता है. तो जब हम मेल और फीमेल के लिए सेम वर्ड यूज़ करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर्स. नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एंड लास्ट, न्यूटर जेंडर. न्यूटर मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि न्यूटर थिंग्स जितनी भी हैं उनको हम क्या कहते हैं, न्यूटर जेंडर. इनके लिए भी कोई मेल फीमेल नहीं होते हैं, ये भी चेंज नहीं होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल पेन, कार, टेबल, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं सब क्या हैं, न्यूटर जेंडर. ये तो थी हमारे जेंडर्स की डिस्क्रिप्शन. आपने एक ऐसा ही चार्ट प्रिपेयर करना है अपनी नोटबुक में जेंडर्स का, ऐसे ही एग्ज़ाम्पल देने हैं और इन्हें ध्यान से समझना है. अब उसके बाद मैं कुछ एक्सरसाइज दे रही हूँ आपको सॉल्व करने के लिए. इसे आप पॉज करके इन सेंटेंसेस को नोट कर लीजिए और आपने इनमें क्या करना है, रीराइट द सेंटेंसेस आफ्टर चेंजिंग द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन नाउंस. यानी कि जिन नाउंस को अंडरलाइन किया गया है उनका जेंडर आपने चेंज करना है और फिर सेंटेंस को दोबारा राइट करना है. एक मैं आपको बता देती हूँ, द गर्ल्स प्ले म्यूजिक व्हाइल द बॉयज डांस. तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, द बॉयज़ प्ले म्यूज़िक व्हाइल द गर्ल्स डांस. यानी कि गर्ल्स की जगह क्या हो गया, बॉयज़, और बॉयज़ की जगह गर्ल्स. और हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया है, ओनली जो इसमें जेंडर अंडरलाइन किए गए हैं उन्हें चेंज किया गया है. थैंक यू.